जैसे कोढ़ की बीमारी सुंदर से सुंदर शरीर के स्वरूप को बिगाड़ देती है, वैसे ही थोड़ा सा भी लालच यशस्वी लोगों के यश और गुणवान लोगों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, उसको बढ़ाने, रखने और खर्च करने में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए जो लोग आत्म कल्याण के विषय में निरंतर चिंतन करते हैं उन्हें स्वार्थ एवं परमार्थ विरोधी धन दौलत नाम के अनर्थ से दूर ही रहना चाहिए। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता और सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब चंद कौड़ियों के कारण कभी कभी आपस में ऐसा द्वेष पाल लेते हैं कि एक दूसरे के शत्रु तक बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए आपस में ही लड़ बैठते हैं और प्राण लेने देने तक पर उतारू हो जाते हैं। जो लोग अपने कमाए धन को बिल्कुल अपने से चिपकाए रखते हैं और कभी देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं करते और ना ही स्वयं उसका उपभोग करते हैं, वे ऐसे धन से कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाते। जब ये शरीर ही क्षणभंगुर है तो इससे किए गए पाप कर्मों से, कमाए गए धन से प्राप्त सुख दुख कैसे अटल हो सकते हैं? इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में धन के अर्जन की भी एक सीमा तय करे, अपने लालच में प्रकृति को और समाज को इतना ना दोहे कि धन के साथ अर्जित पापों के कारण इस जन्म की तो बात ही क्या, न जाने आने वाले कितने जन्मों में उसके दुष्प्रभाव के बोझ को ढोना पड़े।